तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे ध्यान से टीवी देख रहे हो। देख लो बाबू, देख लो, देख देख लो, हमारे बेटू का फेवरेट चल रहा है ना, उठती हैं तो पहले ये देखती हैं। क्या हुआ बाबू? सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। बोल लो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस के उठी हैं, इनका मालिश हुआ है और आराम से ये पूरा बेडशीट वगैरह चेंज हुआ है। तो बाबू बिल्ली देखो कैसे सजीदा, देखो काबा। तो गाइस जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए इधर साफ सफाई का पूरा काम चल ही रहा है। सुबह सुबह हम भी उठे गए, अभी दूध दूध लेके आए हैं। बाबू नीनी आ रही है क्या? बाबू मेरी सुबह उठ जाती है, और सुबह उठ जाएगी ना तो मुझे पट पट मार के जगाएगी। 5 बजे तो सो रही है लड़की। आज यार बाबू 5 बजे उठी, 6 बजे उठी, 7 बजे उठी। तो तबीयत कैसे आपका? रात में उनका तबीयत दोस्तों खराब हो गया था, इसलिए हम लोग को सोते सोते 5 बज गए सुबह के। तो उनको फिर सर दर्द होने लगा था, तो हम रात में आए, इनका सर दबाए, तेल रखे, फिर एक दवा था सर दर्द का, हमने लाए थे पहले ही दवा खिलाया, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ। चंटू बाम भी लगाए, चलो कहीं ना कहीं कोई तो दवा फायदा करेगा। अब सही है, कोई बात नहीं, जल्दी से हो जाएगा। वो तो है भाई जिंदगी में, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा सा दुखी इंसान रहता ही है। अरे वो कोने का मकान है ना, धूल मिट्टी ज्यादा आता है, यही साफ सफाई तो होता ही है। बाबू हाय बाबू, थोड़ा सा हम भी फ्रंट कैमरा आ जाते हैं दोस्तों। तो हम भी आ गए हैं फ्रंट कैमरा, और आज हम घर पे ही हैं। आज हमारा वीकली ऑफ है, तो हम कहीं घर पे आ रहे हैं। और आज सबसे अच्छी बात है, 2 मैच है आज IPL का, तो आराम से पूरा टाइम पास होगा घर पे। इतनी गर्मी है और कोमा का तबीयत नहीं सही है, नहीं तो कहीं ले जाते, आज बाहर थोड़ा घुमा देते। तो चलो कभी शाम के टाइम में अगर टाइम मिलेगा तो कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे घूमने। बट अभी दोपहर का टाइम होने वाला है, तो हम भाई जाएंगे नहीं, छोटा बेबी है, परेशान जाएंगे, इतना धूप है। और पानी भैया खूब दबा के पियो आप लोग, हम तो खूब दबा के पानी पी रहे हैं। 2 रोटी कम खाओ लेकिन पानी दबा के पियो। हर 15-20 मिनट पर मैं 1/2 लीटर पानी पी रहा हूँ, क्योंकि हमारे डाइट का ही रूटीन, मतलब रूटीन का एक हिस्सा है, पानी दबा के पियो। खाने खाना खाने से पहले मैं पानी पेट में पी ले रहा ताकि खाना कम खाऊं। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं। और देखिए इधर पूरा एकदम पट गई है, अभी नहीं से फिर भी कितना काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी जो हम तो हेल्प करा ही दे रहे हैं, तो बने रहिए गाइस। बाबू मारी हम ना भागती भी है, बैठी रहेगी ना, पहले क्या हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि एक्टिव नहीं है, चलती नहीं है। अरे बहुत है, आप हर समय कैमरा ऑन थोड़ी ना, मैं हर समय घर पे भी नहीं रहता हूँ, देख सकते हैं। बाबू बाबू को पैंट पहनाना है, डायपर पहनी है, बस पैंट पहनाना है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद आप लोगों से। बाबू हमारी खेल रही है। बाबू सब लोग को गुड मॉर्निंग बोल दो, बोलो गुड मॉर्निंग। शर्मा जाती है बाबू, नहीं बोल रही है। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो जब मैं आया था फ्रूट के शॉप पे फ्रूट वगैरह लेने, वाटरमेलन ले लिया है, आम ले लिया है, पपीता छोटा नहीं लिया ना, छोटा पपीता ज़्यादा बड़ा क्या करेंगे यार, गल जाता है एक बार काटने के बाद रख दो तो फिर। चलो जो मिलता है बच्चे के दुकान से देख लेते हैं। अंगूर कैसे दे भैया? मीठा है दे देना 1/2 किलो।
ये खरबूजा नहीं सही है क्या? बहुत मीठा निकलेगा ये, इसको भी ले लेना और रेट भी कम लगेगा, 40 रुपए किलो। खराब तो नहीं है ना? गाइस फ्रूट वगैरह मैं सब घर पे लेके आ गया और एक हमारे बेटू के लिए बहुत ही प्यारा सा पार्सल भी आया था, बहुत ही प्यारा। आप लोग को दिखाते हैं अभी, पहले दिखाते हैं हमने फ्रूट में क्या क्या लिया है भाई, क्योंकि समय के हिसाब से सीजन के हिसाब से ना हर कुछ चीज़ खाना चाहिए। और क्या, तो चलिए बहुत सारा आइटम लाए हैं भैया। तो यहाँ पे ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, मैंगो दो ही पीस लाए हैं, मतलब आधा किलो में दो पीस चढ़ाए है, क्योंकि सीजन ज़्यादा मैंगो का नहीं है। और बनाना भी है, खरबूजा भी है। मैडम बोली अभी आपको आम मैंगो नहीं लाना था, हम चलो दो पीस लाए हैं टेस्ट करने के लिए, क्यों जी? नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अभी पता है जब से बारिश की होती है तब से मैंगो खाने वाले। अभी अपने किचन को साफ सफाई सजाने जाने में लगी है। चलो इसको सब फ्रिज में लगा दो, ठीक है? औरत का काम क्या है घर? औरत का काम है घर को संभालना, घर को स्वर्ग बनाना, यही काम है औरत का। घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाना, बच्चे देखना, यही काम है और क्या है। चलो इसे पहले फ्रिज में रख दो, जब इसे खाएंगे तो धो के, नहीं पहले धो के रख दो, ठीक है? धो के तब रखना, वो सही रहेगा ना, ताकि ठंडा रहे फिर खाओ। चलो दोस्तों आप लोग को दिखा दें पार्सल क्या है। हमारी बेटू खेलते खेलते सो गई, देखिए सारा मम्मी के मेकअप सामान से खेल रही थी और खेलते खेलते सो गई। ये बहुत ही प्यारा शबका के लिए गुल्लक है, कस्टमाइज गुल्लक है। तो खोलेंगे फिर दिखाएंगे आप लोगों को। इनका झाड़ू पोछा काम खत्म ही नहीं हुआ है ना, 12 बजने वाले हैं बेटा। कोई बात नहीं यार, 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, आज काम खत्म करके तभी आगे हैं। नायल से पोछा मारते बहुत अच्छा महकता है, नायल से ना पूरा घर रिफ्रेश हो जाता है। नहीं जो जर्म के झाड़ू वगैरह उधर मर जाते हैं, इससे अच्छा है ना। क्या है ना, बाबू भी कभी कभी जमीन में बैठा देते हैं, जमीन में बैठा देते हैं, जब अकेले रहते परेशान करते तो जमीन में ही बैठे रहते, बैठा देते हैं। चलो कर लो फटाक से, आप इससे नहीं लगती है ना। हाँ फटाक से आप नहा लो, मैं नहा लूँ, ठीक है? ठीक है। A few moments later. So guys, यहाँ पे देखिए नहाने धोने खाना पीने, मतलब खाना वाना खाने के बाद अब देखिए कोमल हो गई है रेडी। कहाँ जा रही हो जी? रील्स बना रहे हैं। अच्छा तो नया नया साड़ी पहन के रील्स बना रही है, और आप लोग कमेंट करके बताना ये साड़ी कैसा लग रहा है, मल्टी कलर में है, और ये साड़ी कहाँ से लिया इन्होंने, इंस्टाग्राम पे इन्होंने डाल रखा है पोस्ट, तो साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। बाबू बाबू हमारी सोई थी, सो के उठी है, तो सोने उठने पर पापा को मम्मा को ढूंढती है ना बाबू, रील्स बनाने के लिए गाने ढूंढ रही है वो। बाबू 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 इधर हलते बाबू, या 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 बैठो थोड़ा सा, रील्स बना रही है, हम भी बैठे। चलो अच्छा बाबू बैठते हैं। तो गाइस हमने ना बहुत सारे रील्स वगैरह बना लिए जो इंस्टाग्राम पोस्ट करने हैं, और मैंने सोचा था पता है बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आया है ये, और इसमें क्या है पता है इसमें क्या है? बता दो। इसमें क्या के लिए पिगी बैंक है, पिगी बैंक है। तो अभी इस ब्लॉग में दिखाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, बाकी इसके बारे हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे।